हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय श्रद्धा किचन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दम भुना मटन की रेसिपी, तो आप पूरा एंड तक देखना वीडियो। तो मैंने ये मसाले लिए, इसको अच्छे से बेक करना है। तो आप लोग ये मसाले एकदम अच्छे से देख लो, क्योंकि मेरे को नाम नहीं याद है। तो मैंने इसको अच्छे से बेक कर लिया, आप देख सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगी दही। मैंने दही डाल दिया है, तो अभी मैं जो मैंने फ्राई करके प्याज रखे थे, अभी मैं इसके अंदर डालूंगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ ऑयल। अभी मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया है, अभी मैं इसके अंदर मटन डालूंगी। अभी मटन को डाल के इसको अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये अच्छे से पक चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अभी ये मटन एकदम अच्छे से पक चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगी जो मैंने बेक किया था उसका पेस्ट डालूंगी, जो मैंने पेस्ट करके बना के रखा था। तभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप भी एकदम अच्छे से मिक्स करो जैसे मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कितना अच्छा पेस्ट बनाया है, और करल भी कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला और नमक। और अब आपके हिसाब से डालना, जैसे आपको कितना स्पाइसी चाहिए, कितना कम चाहिए ऐसे। और मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। जैसे मैंने सब मसाले ऐड किए, वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अभी मैं पानी डाल रही हूँ जो हमारा मटन है अच्छे से पक जाए। अभी